अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका? ठीक है। तो आज हम जो है ना यहाँ पे मौजूद हैं कराची मार्बल फैक्ट्री में, और आज हम आपको दिखाएंगे ये मार्बल फैक्ट्री। ये सर आप देख रहे हैं, ये मार्बल पड़ा हुआ है, और हम इस फैक्ट्री के बारे में जो है ना वो पूछेंगे भी कि कौन से मशीनें कैसे पत्थर काटती हैं, पत्थर कहाँ से आता है, और आपको फैक्ट्री की सैर करवाते हैं। तो आइए चलें। तो नाज़रीन आइए हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी आपका? क्या नाम है? अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़, अब्दुल लतीफ़ आप यहाँ से कब तक काम कर रहे हैं? तकरीबन 10-12 साल। अच्छा जी, 10-12 साल से काम कर रहे हैं। और हमें आप इसके बारे में बताएंगे, पत्थर के बारे में और इन मशीनों के बारे में, ये कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं? बिजली से चलती हैं, पानी में कटाई होती है पत्थर की। अच्छा, और ये पत्थर कहाँ से आता है? ये आता है ये बुनेर से। अच्छा, स्वाबी से, मरदान से। अच्छा, कराची से, पेशावर, बलोचिस्तान। अच्छा, और आप हम मशीनों के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, ये मशीन ये जो सी ये वाली है, ये गुनिए वाली है। अच्छा, करने वाली। ये देखें जी नाज़रीन, ये देखें जी, हम आपको करीब लेके चलते हैं, ये आप मशीन देख लें। ये रिसाइज करने वाली है। अच्छा, इसका गुनिया होता है यानी कि पत्थर। अच्छा, वो कटिंग वाली। अच्छा, वो कटिंग वाली। हाँ जी। अच्छा, वो कटिंग वाली, वो मशीन। ठीक हो गया। और ये जो फैक्ट्री है ये कब से है यहाँ पे, कितने अरसे? 2006 से। अच्छा, ये 2006 से बनी है। सही सही। तो आप जब से बनी है तब से यहाँ पे काम कर रहे? बाद में। अच्छा, उससे बाद में। ठीक ठीक। तो नाज़रीन आपने देखा कि ये हमारे साथ मौजूद थे, तो इन्होंने हमें बताया कि पत्थर कहाँ से आता है और ये मशीनें क्या काम करती हैं। तो इसके अलावा हम एक मशीन आपको और भी दिखाने लगे हैं। तो अब हम आपको दिखाने लगे हैं, ये देखें जी, ये आपको थोड़ा सा अजीब सा भी फील हो रहा होगा कि जगह कैसी है। यहाँ पर जो ना इस पर ये जो कूलर पंखा जो होता है, कूलर फैन, उसकी जो जालियाँ होती हैं वो तैयार की जाती हैं। ये देखें, इस मशीन के साथ, इस मशीन के साथ वो जाली तैयार की जाती है। तो ये देखें आप, बड़ा अजीब सा माहौल है, जब इंसान इन चीज़ों को देखता है तो अकल दंग रह जाती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।